Hello friends and welcome to our channel Weekend Class Channel. In this episode of Target 2021 series, which is totally dedicated to the CBSE board examination of class 12th, we will pay attention to the Cold War era and the major principles on which the two major power blocks were formed. We will also discuss some very interesting events related to this and some other skirmishes which took place before the Cuban Missile Crisis and eventually led to the disintegration of USSR. When we talk about the emergence of two power blocks, one power block was headed by USA. पहला पावर ब्लॉक था, उसका जो लीडर कौन था? USA. और दूसरा था USSR. USA के साथ जो कौन कंट्रीज थी जो एक पावर ब्लॉक बनाई थी, डेट वेर द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. यूरोप दो भाग में विभाजित हो गया. तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, खासकर अगर आप देखें जो जर्मनी का वेस्टर्न जर्मनी उस समय जो था, बर्लिन के वेस्ट वाला भाग वो यूएसए की ओर चला गया. एंड दैट टाइम द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न जर्मनी वाज मेड बर्न. सो बर्न वाज मेड द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो गई. एंड इट टाइड अप विद द यूएसएसआर. अब इसके साथ जो है यूएसएसआर के साथ पोलैंड और जितनी भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी ये चली गई. तो इस तरीके से दो पावरफुल पावर ब्लॉक्स जो हैं वो उभरे. द बेस ऑफ द वेस्टर्न अलायंस, जो ये जो वेस्टर्न पावर ब्लॉक था, इसका बेस या इसका मेजर प्रिंसिपल कैसे ये बना? मेजर इसका जो प्रिंसिपल था दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये जो नेटो था इसमें एक सैद्धांतिक सहमति हुई और इसके तहत जो है ये वेस्टर्न पावर ब्लॉक बना. जिसमें ये कब हुआ था? नेटो ट्रीटी साइन अप्रैल 1949 में. द मेजर प्रिंसिपल ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज दैट अटैक ऑन एनी ऑफ इट्स मेंबर विल मीन attack on United States. All the 12 signatories will help each other. इसका जो मेन मकसद ये था कि इसमें शुरुआत में 12 सिग्नेटरीज थे, 12 कंट्रीज ने अपनी सहमति दी थी. तो उसमें ये था कि अगर कोई भी कंट्री जो सोवियत कंट्री थी, अगर उसने हमला किया सोवियत यूनियन से की समर्थक कंट्रीज या कोई भी कंट्री फॉर डेट मैटर, अगर उसने इन 12-13 जो कंट्रीज थी उन पर हमला किया तो ये हमला उस कंट्री पे नहीं बल्कि अमेरिका पे हमला यह कहला जाएगा. और सारी जो कंट्रीज हैं वो मिल करके वो उस हमले को नाकाम करेंगे. द ईस्टर्न अलायंस केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वार्सा पैक्ट. तो अब नेटो हुआ तो उसके काउंटर में जब देखा यूएसएसआर ने कि अमेरिका ने तो एक अलायंस कर लिया है, अपनी स्थिति मजबूत कर ली. अब यूरोप जो है एक अखाड़ा बन चुका था, उसने एक अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध की. तो उसको काउंटर करने के लिए यूरोप में यूएसएसआर ने एक वार्सा पैक्ट साइन किया. वार्सा कहाँ पे है? पोलैंड. पोलैंड की कैपिटल है वार्सा. तो ये 1955 में ये वार्सा पैक्ट साइन हुआ और इसके तहत जो भी यूएसएसआर के समर्थक थे, खासकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो इस पैक्ट में सिग्नेटरीज थे. अब इनका मेजर फंक्शन क्या था? टू काउंटर नेटो इन यूरोप. मेनली जो सैद्धांतिक सहमति थी वो सिर्फ यही थी. इसके अलावा ये जो दोनों पावर ब्लॉक्स थे, इनके फॉर्मेशन के पीछे कई और मुद्दे थे जो कि इसके पहले डिस्कस नहीं हुए थे. तो पहला जो मुद्दा था वो था दोनों सुपर पावर थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी थी, कई रिक्वायरमेंट थी जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो वो जो आवश्यकताएं हैं वो एक मेजर फैक्टर बनी. दूसरा, हर जो स्मॉलर स्टेट था उसके कोई ना कोई इश्यूज थे. नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में कुछ इश्यू थे, वियतनाम और कंबोडिया के बीच में कुछ इश्यू थे. तो इस टाइप के जो इश्यूज थे, जो कन्फ्लिक्ट थे, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस अलायंस के फॉर्मेशन में. यूएस अपार्ट फ्रॉम द नेटो एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट. यूएस ने अपने आप को सिर्फ नेटो तक ही सीमित नहीं रखा, उसने मध्य एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस जमाया. जैसे जहाँ पे सऊदिया वगैरह है, तो एक ट्रीटी साइन हुई सीटो का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसके मुकाबले सोवियत यूनियन ने कोई ट्रीटी तो नहीं की साइन, बट इट ऑल्सो फॉर्म्ड क्लोज रिलेशंस विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक। इन दोनों में ही नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया में खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि सोवियत यूनियन में भी थी। चाइना ने भी इन कंट्रीज के साथ महत्वपूर्ण और क्लोज रिश्ते बनाए। नाउ द ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर वर मार्क्ड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। ये जो समय था, जो ये कोल्ड वॉर का समय, इसके दौरान कई कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुई, जैसे कि अफ्रीका की कई कंट्रीज, इसके अलावा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो कई कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हुई। इसकी वजह से ये जो वेस्टर्न अलायंस था, ईस्टर्न अलायंस था, इसमें कई क्रैक्स भी उभरे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि चाइना और रशिया के बीच एक युद्ध छिड़ा जो कि 1950 में भी एक बार हुआ और 1969 में हुआ। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि इवेंट हुआ वो था नैम की फॉर्मेशन। ये जो नैम जो था, इसको बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। इट गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे आउट ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ दीज अलायंस। ये कंट्रीज अभी सीधे इंडिपेंडेंट हुई थी और अगर ये कोल्ड वॉर में चली जाती तो एक तो इनके पास ऐसे भी रिसोर्सेज की कमी थी, तो इस रस्साकशी में इनकी जो हालत है वो आर्थिक हालत वो और ख़राब हो जाती। तो नेटो और जो वार्सा पैक्ट है इससे अलग हटने का एक रास्ता जो है ये नैम ने दिया। इसके फोर फ्रंट पे इसके लीडर कौन थे मेन? वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, और इनके मेंटल एक्यूमेन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस नॉन अलाइन मूवमेंट के फॉर्मेशन में। जैसा कि हमने बोला था कि पहले डिस्कस भी किया था कि जो सुपर पावर्स थी उनकी क्या नीड थी, भाई वो सुपर पावर्स थे तो उनकी क्या नीड थी कि ये एक फॉर्मेशन हो। तो द वे उनका जो मेन रीज़न था दैट वाज पहला एक्सेस टू रिसोर्सेस, दैट इज ऑयल और मिनरल। मेन जो था वो है ऑयल और मिनरल रिसोर्सेस। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तीसरा जो मेन था वो था इकोनॉमिक सपोर्ट। और चौथा था आइडियोलॉजी, अपनी जो विचारधारा है वो पूरे विश्व में थोपना। ये एक और बहुत बड़ा इनकी आवश्यकता थी। नाउ द क्यूबन क्राइसिस वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ये वहाँ से चीज़ें जो है धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुई। वहाँ तक एकदम जो है क्राइसिस जो थी कोल्ड वॉर की, या जो कोल्ड वॉर रह रहा था, वो एकदम अपने जेनिथ, मतलब उससे ज़्यादा हाइट पे नहीं कभी पहुंचा था। वो जो 1962 का समय था, उस वक्त सबसे ज़्यादा लेवल पे कोल्ड वॉर था। लेकिन इसके अलावा बीच में कई ऐसे भी इवेंट्स हुए जिन्होंने इस कोल्ड वॉर की ओर काफ़ी इशारा किया, और क्यूबा के जो ये इवेंट हुआ था उसके पहले ये इवेंट्स हुए। इसमें सबसे पहला था 1951 के आसपास के बीच में, मतलब 1950 से 1953 के बीच में कोरियन पेनिनसुला में जो एक कन्फ्रंटेशंस हुए थे वो। इसके अलावा वियतनामी वॉर, वियतनाम में वॉर हुआ और जो फ्रांसीसी सेना थी उसको डीन बीन फू जो है उन्हें की आर्मी ने नॉर्थ वियतनाम में हरा दिया। अब इसकी वजह से, चूँकि नेटो में क्या साइन हुआ था पैक्ट में कि अगर कोई भी नेटो की कंट्रीज हारेगी तो अमेरिका जो है या उसके ऊपर हमला होगा, तो अमेरिका क्या उसको किस तरीके से लेगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है। तो अमेरिका ने नतीजन 1954 में, 1954 में वियतनाम में अमेरिकन आर्मी ने इंटरवेंशन किया और ये जो है 21 साल तक चला। और आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही फेमस सीरीज शुरू हुई थी 1954 के बाद, जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस सीरीज़, और सभी लोगों ने उसके बारे में सुना ज़रूर होगा, देखा या नहीं देखा होगा ये तो नहीं मालूम, सुना ज़रूर होगा, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड जो है एक काल्पनिक पात्र का नाम है, एंड इट वाज अ स्पाई ऑफ अमेरिकन आर्मी विच वाज फर्स्ट हेडेड इन वियतनाम। और ये वियतनाम से ही ये चीज़ें, और उसके बाद जो है अमेरिका ने अपने कई स्पाइस जो है वो सोवियत यूनियन में भी छोड़े। तो दीज वर ऑल इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट्स। इसके अलावा बगदाद पैक्ट हुआ जिससे सेंटो बना। सेंटों की बात हमने की थी। सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, हंगरी जो है एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, वहाँ पे सोवियत यूनियन ने या यूएसएसआर ने इंटरवेंशन किया। फिर इसके अलावा बर्लिन में प्रॉब्लम हुई, ये 1958 से लेकर 60 के बीच में हुई, और वहाँ से इवन बर्लिन के कुछ लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी ओर जो है ले आने के लिए एयरलिफ्ट की भी कोशिश की। तो इसके बाद 1960 में जायरे या कॉन्गो में एक क्राइसिस हुआ। उसके अलावा ये जो 1961 में ये जो क्यूबन क्राइसिस की जो शुरुआत हुई कैसे हुई, बे ऑफ पिग्स है, बे ऑफ पिग्स जो है कैरिबियन सागर में है, क्यूबा और फ्लोरिडन पेनिनसुला के बीच में। तो उसका जो माउथ है वो एक पिग की तरह है, इसलिए उसको बे ऑफ पिग्स बोलते हैं। तो ये यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेशन था, यूएस ने उसको समर्थन दिया था, डायरेक्टली यूएसए ने इन्वेड नहीं किया था। इसी के साथ साथ इसी साल 1961 में बर्लिन वॉल जो है, जो किसने बर्लिन को जर्मनी की पहले कैपिटल हुआ करती थी उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। और ये दो जो इवेंट इकट्ठा हुए उसने कोल्ड वॉर को सबसे अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, सबसे ऊंचाई पे। और इसके विरुद्ध जो सोवियत यूनियन का एक्शन हुआ वही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना गया, जो कि 1962 में हुआ। दैट वाज द जेनिथ ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। नाउ इन अ टर्ब्यूलेंट टाइम ऑफ कोल्ड वॉर द नैम कंट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल विद नेहरू बीइंग द की। इस कोल्ड वॉर में ये जो नैम कंट्रीज थी जो कि किसी भी विचारधारा से को समर्थन नहीं देती थी, न वो सोवियत यूनियन को समर्थन देती थी और न ही वो नेटो को समर्थन देती थी। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और नेहरू जो थे इसके फोरफ्रंट पे लीडर थे, सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने एक मीडिएटर की भी भूमिका निभाई। मीडिएटर क्या होता है, जब अगर क्राइसिस हुई तो उसके बीच में एक मध्यस्थता करता है। कांगो क्राइसिस में, जो कि कांगो में हुई थी, तो वहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी उस संकट को दूर करने में। लेकिन फिर भी ये सारे जो कोशिशें हैं वो लगातार जो ये क्राइसिस इन लोगों के बीच में बढ़ रही थी उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन ये जो दो पावर ब्लॉक्स थे उनकी जो और जो उनके बीच की जो सहायक कंट्रीज थी वो लगातार आर्म्स एंड एमुनिशंस खरीदती रहें और ख़ुद को हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर करती रहें। तो ये एक बड़ा कोल्ड वॉर का बड़ा ही एक दुखद हिस्सा था, जो कि खुद यूएसए और यूएसएसआर को जिसने कम प्रभावित किया और उसके साथ की जो कंट्रीज़ थी उनको ज़्यादा प्रभावित किया, जो खासकर जो वीक कंट्रीज़ थी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कंट्री थी, उनको ज़्यादा प्रभावित किया। आइए हम लोग कुछ टाइमलाइंस के बारे में देख लेते हैं, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो 1965 में यूएस ने डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो एक कैरिबियन कंट्रीज है, वहाँ पे उसने इन्वेड किया उसको। उसके अलावा 1972 में, अब 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो चाइना की यात्रा करते हैं, रिचर्ड निक्सन उस वक्त थे। तो ये यात्रा इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि 1969 में आपको जैसा कि याद होगा कि यूएसएसआर और चाइना के बीच में युद्ध भी हुआ था। अब 1978 से 1989 के बीच में वियतनाम ने कंबोडिया, या जिसको अभी पहले कंपूचिया भी बोला जाता था, तो वहाँ पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो ये एक हुआ था, और इसके पीछे जो है काफ़ी हद तक यूएसएसआर का हाथ था। उसके बाद जो है 1979 और 1989 के बीच में, 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, और 1989 10 साल तक जो है वहाँ पे उसने राज किया, जिसमें उसने राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को बनाया। नजीबुल्लाह काफ़ी फेमस थे, और बाद में सोवियत यूनियन को वहाँ से हटना पड़ा, उसके बाद वहाँ पे तालिबानी शासन आया। तालिबान के आने के बाद जो क्या क्या हुआ वो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद 1985 में चूँकि रूस की आर्थिक हालत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो गई थी, सोवियत यूनियन की आर्म्स रेस में पड़ते हुए अमेरिका ने बाजारी व्यवस्था से, अपने बाजार व्यवस्था से सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत भी मजबूत की, सबसे प्रमुख बाजार के रूप में उभरा। सभी को अमेरिका की आवश्यकता पड़ी, लेकिन रूस इस मामले में पीछे रह गया। तो रूस के जो 85 में नेता इलेक्ट हुए तो मिखाइल गोर्बाचेव, और वे बने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, और उन्होंने इस बात की आवश्यकता को पहचाना, समय की मांग को पहचाना, और दो बाजार रिफॉर्म्स जो थे, मार्केट रिफॉर्म्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम था ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। 1989 में इसके बाद एक बहुत ही प्रमुख घटना घटी, जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी उसे गिरा दिया गया और वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। और जो ईस्ट जर्मनी थी, ईस्ट यूरोप थी, उसकी कई सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। तो उसमें आप देखिए कई कंट्रीज़ का विघटन हुआ, जैसे यूगोस्लाविया जो है वो कई कंट्रीज़ में बट गया, चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक दो उसमें बट गया। तो कई कंट्रीज़ में जो उनके जो लीडर रहते थे उनको मार भी दिया गया इनफैक्ट। तो बहुत जगह जो है ये इस टाइप के रेवोल्यूशंस हुए। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन वॉल गिरी तो फिर 1990 में एकीकरण भी हो गया जर्मनी का। जो इसका सबसे मेन जहाँ पे कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से टाइम लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो कई भाग में बट गया, जिसमें से मेन था रूस, और बाकी कई और कंट्रीज़ बनी छोटी छोटी, जिसमें से जैसे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सब जो है कंट्री जो मध्य एशिया की हैं, कुछ एक यूरोप में भी हैं, जॉर्जिया, यूक्रेन। तो जैसा कि आप लोग ये सब नाम सुने ज़रूर होंगे। तो इन भागों में यूएस बट गया, यूएसएसआर, और मेन जो यूएसएसआर था वो रूस के रूप में आज की डेट में, जैसा कि आप जानते हैं, रशिया या हिंदी में रूस, और बाकी जो कई और कंट्रीज थी उनके बीच में बट गया। और इस तरीके से चूँकि रूस की जो आर्थिक हालत थी बहुत ही खस्ताहाल हो गई, तो अब वो अमेरिका के सामने सैन्य बल के बारे में तो ठीक था, लेकिन आर्थिक शक्ति के रूप में ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो है कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट सम अदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू।